Hi SBS lovers, this is Chandra Pratap Singh and you are watching SBS film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे मरकरी जब बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में आता है तब क्या होता है. फर्स्ट हाउस जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट हाउस का संबंध हमारी वाइटल एनर्जी से है, हमारी वाइटल फोर्स से है. जैसे भी हम पब्लिक को दिखते हैं फर्स्ट हाउस से, जो भी हम रिएक्ट करते हैं, जो भी हम एक्ट करते हैं अपोजिट वर्ल्ड के सामने, वो फर्स्ट हाउस है. फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी है. जो भी आप बिहेव कर रहे हो, जो भी आप सामने वाले को दिखाई दे रहे हो, वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है. दूसरा फर्स्ट हाउस एसेंडेंट है, यानी फर्स्ट हाउस यानी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट. फर्स्ट हाउस जो है वो बर्थ चार्ट के एंटायर हाउसेस को जो है कंट्रोल करता है. यानी जो भी आपका नेचर है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, उसी के थ्रू आपका अपना कर्म करते हो और उसी के थ्रू आप अपना बिहेव करते हो और उस वैसे ही आप लोगों से रिएक्ट करते हो और लोगों के साथ आप अपना रिलेशन तैयार करते हो. मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपके इंटेलिजेंस को, आपकी मेमोरी को, आपकी स्पीच को, आपके वोकल टैलेंट को, आपके कम्युनिकेशन को, आपके यंगर सिबलिंग्स को, सेल्स एंड मार्केटिंग को, मैनेजमेंट को, हैंड स्किल को, और जितनी भी आपकी रिटन जो क्वालिटी होती है, जो भी आप लिखते हो या जैसे भी आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो आपका रिटन में हो, चाहे वो आर्टिस्टिक चीज़ों के थ्रू एक्सप्लेन करना हो, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू एक्सप्लेन करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मरकरी के ऊपर चलती हैं. यानी मरकरी इन चीज़ों का कारक है. मरकरी का फर्स्ट हाउस में आता है तो जो आपकी एंटायर पर्सनैलिटी है वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होगी. यानी जब आप लोगों से बात करोगे, जब आप लोगों से कन्वर्सेशन करोगे, तो आपकी जो कन्वर्सेशन होगी वो लोगों के ऊपर अपना असर डालेगी. यानी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर मरकरी का असर है. यानी जो आपका इंटेलिजेंस है या जो भी आपकी कम्युनिकेटिव जो क्वालिटी है, उसके थ्रू आप पब्लिक के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, जो भी आपके से बात करता है, जो भी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं या जो भी आपसे बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा असर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर. मरकरी जैसे हम जानते हैं, मरकरी को हम एक प्रिंस के समान समझते हैं. यानी जो सन जो है वो किंग है और जो मरकरी है वो प्रिंस है. तो मरकरी का जो नेचर है वो है दुनिया की तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करना. मरकरी कभी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं करता. मरकरी क्या है, मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करता है. यानी मल्टीपल चीज़ों को मरकरी यूज़ करता है. दूसरे लोगों से अगर रिलेशन बनाना, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, अलग अलग चीज़ों को जानना, अलग अलग चीज़ों को समझना, ये मरकरी का काम है. क्योंकि प्रिंस का काम होता है कि अपने जो भी उसकी जो कंट्री है या जो भी उसका विलेज है या जो भी उसका गांव है या जो भी उसका घर है, जहां प्रिंस रहता है, जहां राजकुमार रहता है, तो अपने रॉयल किंगडम में प्रिंस का काम है कि लोगों से जाके कम्युनिकेट करना, मिलना, उनसे आर्गुमेंट करना, उनसे बात करना और सारी चीज़ों को एंजॉय करना. ठीक है, तो मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप बहुत ही कम्युनिकेटिव होंगे. दूसरा, मरकरी रिप्रेजेंट करता है यूथनेस को. तो मरकरी अगर आपके एसेंडेंट में है तो देखने में आप बहुत ज़्यादा यंग दिखाई देंगे. मान लो आपकी अगर एज 50 ईयर्स की है तो आप दिखाई देंगे कि आप 25 ईयर्स के हैं. दूसरा, मरकरी जो है फर्स्ट हाउस में अगर है तो वो मरकरी वहाँ से सेवन्थ हाउस को दिखता है. सेवन्थ हाउस का संबंध है अपोजिट वर्ल्ड से. सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है ट्रेड को. सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लीगल बाइंडिंग्स को. सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फर्स्ट लाइफ पार्टनर को. तो मरकरी को फर्स्ट हाउस में है तो आप चाहेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो. यानी आपसे बातों को शेयर करें, आप भी उससे बातों को शेयर करो. और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही मेंटली बहुत ही शार्प माइंडेड होगा. यानी चीज़ों को कैलकुलेट करना, सही तरीके से बात करना, और जो उसकी मेमोरी होगी, जो उसकी मेमोरी पावर होगी वो भी बहुत स्ट्रांग होगी. यानी अगर आप उनको कोई बात बोलते हो तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक उनको बातें ध्यान में रहेंगी. तो मरकरी अगर लग्न में आता है तो इंसान को बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बनाता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है. दूसरा, मरकरी का संबंध डिवाइन पावर से है, डिवाइन नॉलेज से है. क्योंकि मरकरी क्या है, आपका इंटेलिजेंस है. तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों करोगे जो आम आदमी नहीं करते. आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी जो आम आदमी के अंदर नहीं होगी. जैसे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, जैसे न्यूमरोलॉजी की नॉलेज, जो भी कैलकुलेटिव जो नॉलेज होती है जिसमें बहुत ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों की नॉलेज आपको बहुत होगी. मंत्राज आपको बहुत आएंगे. और जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, जितनी आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, जितनी भी रिलीजियस चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बिलीव होगा. तो
आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से बिहेव करना, मर्करी का काम है कम्युनिकेट करना, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो आर्टिस्टिक हो, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे।